नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ प्रेरणा। बरसात के दिनों में लोगों को प्याज और सब्जियों के पकौड़े खूब भाते हैं, लेकिन इन सब्जियों पर खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस भी हो सकते हैं, जो लोगों को बीमार करते हैं। इन्हीं फंगस की वजह से बरसात की उमस में फल और सब्जियां जल्दी खराब होती हैं, साथ ही पका हुआ खाना भी 3 घंटे के अंदर बासी हो जाता है। यानी कई बार 3 घंटे पहले बना खाना खाने से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसे में बरसात के दिनों में फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए कच्चे और पके खाने का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, नमी वाला चिपचिपा मौसम बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए उपयुक्त होता है। इस दौरान बने हुए खाने में 3 घंटे के भीतर बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। यही वजह है कि बरसात के दिनों में खाना 3 से 4 घंटे में ही खराब हो जाता है। आमतौर पर लोग 10 से 12 घंटे पहले पके खाने को भी ताज़ा ही मानते हैं। ठंड के मौसम में कुछ हद तक ऐसा चल भी जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में ऐसी आदत खतरनाक हो सकती है। खाने में पनपे फंगस और बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद ये हाजमा बिगाड़ सकते हैं और गंभीर स्थिति में टाइफाइड, हैजा और फूड पॉइजनिंग की भी वजह बन सकते हैं। दोस्तों, साफ दिखने के बावजूद फल और सब्जियों के छिलके पर खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं। कई बार लोग कटे हुए फल और सब्जियों को स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन इन कटे हुए फल सब्जियों में बैक्टीरिया और फंगस संपर्क में आते हैं। दूसरी ओर कटे हुए फल सब्जियों को इस्तेमाल से पहले धोया भी नहीं जाता है, ऐसे में ये आदत बीमार कर सकती है। बरसात के दिनों में कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी सब्जी बिना उबाले ना खाए। इन दिनों में कच्चा सलाद नहीं खाना चाहिए, इसकी जगह उबली या भुनी हुई सब्जियां खा सकते हैं। अगर किसी कारण से सलाद खाना भी पड़े तो कोशिश करें उस पर पर्याप्त मात्रा में नींबू का रस डाल दिया जाए। खाने में विटामिन सी से भरपूर नींबू का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि इम्यूनिटी भी बढ़े। इसके अलावा लहसुन और काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इन दिनों बाजार के फल सब्जियों में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे में बाजार से लाए गए फल सब्जियों को सीधे फ्रिज या किचन में रख दें तो वे दूसरी सब्जियों और फलों को भी खराब कर देते हैं। इसलिए बाजार से लाए गए किसी भी सब्जी या फल को स्टोर करने से पहले धो लेना चाहिए। दोस्तों, फल सब्जियों को सादे पानी से धोने की जगह सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टब में गुनगुना पानी लेकर उसमें 1 से 2 चम्मच सिरका मिलाने के बाद फल सब्जियों को 10 मिनट के लिए उसमें भिगो दें। फिर हल्के हाथों से उन्हें साफ करके अच्छी तरह से सुखा लें और फिर स्टोर करें। ऐसा करने से फल और सब्जियों की लाइफ बढ़ जाती है और वे जल्दी खराब नहीं होते। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा शो मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।